विराट कोहली का बुरा दौर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। आरसीबी के लिए खेले गए पिछले मैच में कोहली 5 साल बाद आईपीएल में गोल्डन डक पर आउट हुए। कोहली इससे पहले 2008, 2014, 2017 में गोल्डन डक पर आउट हो चुके हैं। आईपीएल 2022 में विराट कोहली ने 7 मैच में 20 से भी कम औसत से 119 रन बनाए हैं। उनका स्ट्राइक रेट 130 से भी कम का रहा है। ऐसा नहीं है कि वो केवल आईपीएल में फ्लॉप हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी उनकी आखिरी सेंचुरी 2019 में आई थी। आईपीएल में कोहली ओवरऑल 7वीं बार 0 पर आउट हुए। पिछली बार कोहली गोल्डन डक पर 2017 में आउट हुए थे। क्रिकेट के हर फॉर्मेट को मिलाकर विराट के शतक के सूखे को जारी रहते हुए 100 मैच गुजर चुके हैं। अब विराट के मौजूदा हालात को देखते हुए टीम इंडिया के पूर्व कोच रवि शास्त्री का एक बड़ा बयान आया है। शास्त्री ने कहा है कि अगर विराट कोहली अगले 6-7 साल तक देश के लिए खेलना चाहते हैं तो उन्हें आराम करना चाहिए। शास्त्री के अनुसार विराट कोहली को कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक लेकर मानसिक थकान मिटानी चाहिए और फिर मैदान पर वापसी करनी चाहिए। शास्त्री के अनुसार कोहली मानसिक रूप से थक चुके हैं, इसी वजह से उनके बल्ले से रन नहीं निकल रहे हैं। शास्त्री के अनुसार चाहे 2 महीना हो, 1 महीना हो या 15 दिन हो, इंग्लैंड दौरे से पहले का समय हो या उसके बाद का, कोहली को आराम की सख्त जरूरत है क्योंकि उनके अंदर 6 से 7 साल का क्रिकेट बचा हुआ है और कोई नहीं चाहेगा कि वो मानसिक रूप से थक कर इसे खो दें। सिर्फ रवि शास्त्री ही नहीं बल्कि इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी केविन पीटरसन भी विराट की फॉर्म से चिंतित हैं। केविन पीटरसन ने भी कहा था कि विराट को क्रिकेट और सोशल मीडिया से दूरी बनानी चाहिए ताकि वो खुद को तरोताजा कर सकें। पीटरसन के अनुसार विराट के लिए अच्छा प्रदर्शन करना बेहद मुश्किल है क्योंकि वो मानसिक रूप से थक चुके हैं।